हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ एक शूज बनाते हैं, ये हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल धागे से हम 31 फंदे डालेंगे, सिंगल धागे से। तो अब हम इसको सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे, दोनों सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बुननी है, इस तरह से पीछे धागा करके। तो हमने दो सिलाई ले लिया सीधी सीधी। अब हम क्या करेंगे, देखो दो फंदे हमने बुन लिए, आप इसको उतार भी सकते हो, पहले फंदे को बुन भी सकते हो। दो फंदे हमने ले लिए, अब हमने एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ चाहे तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हो और चाहे आप इसको इस तरह से यहाँ से उठा सकते हो, ये देखो जैसे आपको इजी लगे वैसे बढ़ा लो आप। अब 13 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। तेरह फंदे हमने बुन लिए, तो उसी तरह से हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब आप जो मेथड बढ़ाने का अपनाना चाहो वो अपना सकते हो। अब हमने एक फंदा सीधा लेना है, एक फंदा, फिर उसके बाद फिर ऐसे बढ़ाना है हमने एक फंदा। ये देखो इस तरह से बढ़ाया मैंने, यहाँ से ले लिया, इसको इसमें डाल दिया इस तरह से। अब 13 फंदे फिर हमने सीधे बुनने हैं। अब देखिए यहाँ दो फंदे के बाद हमने एक बढ़ाया था, अब ये दो फंदे रह गए हमारे, तो हम यहाँ से एक फंदा और बढ़ा लेंगे दो फंदों से पहले। ये दो हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। अब उल्टी सिलाई में भी हम सीधी सिलाई बुनेंगे, इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना घटाना, ये सिंपल बुननी है पीछे की तरफ इस तरह से। देखिए अब फिर सीधी सिलाई आ गई हमारी, तो हम दो फंदे फिर ऐसे बुन लेंगे, एक यहाँ बढ़ा लेंगे इस तरह से। अभी हमने 13 फंदे लिए थे, अब 15 लेंगे। अभी हमारे 15 फंदे हो चुके हैं, तो अब हम एक यहाँ पे फिर बढ़ा लेंगे। बस ये ध्यान रखना, अभी 13 के बाद बढ़ाया था पिछली सिलाई में, अब 15 के बाद ये बढ़ा लिया, फिर एक हमने यहाँ पे सिंपल बुनना है, फिर उसके बाद एक फिर बढ़ाना है। अब फिर 15 हमने सिंपल ऐसे बुनने हैं। अब यहाँ पे ये दो फंदे रह गए हैं, देखो दो फंदे के बाद हमने यहाँ बढ़ाया था, दो फंदे से पहले हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब उल्टी सिलाई में हम पीछे की तरफ बुनेंगे ताकि ये धारियाँ आए इस तरह से लाइंस, तो हम इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे, ये इसी तरह से बुननी है हमने पूरी सिलाई। तो अब सीधी सिलाई में फिर हम देखो उसी तरह से बुनेंगे, दो फंदे ये सीधे बुन लिए, यहाँ से हमने एक बढ़ा लिया। अब हमने कितने बुने थे यहाँ पे, 15, तो हम 17 कर लेंगे। अब यहाँ पे दो दो फंदे हमने बढ़ाते जाने हैं, 17 हो जाएंगे हमारे, 17 हो गए। एक फंदा फिर हम यहाँ ऐसे बढ़ा लेंगे, अब हम एक फंदा यहाँ सीधा लेंगे, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर 17 लेंगे हम, हो गए। अब फिर यहाँ एक बढ़ा लेंगे इस तरह से, और फिर दो। इसी तरह से हम सारी सिलाइयाँ जब तक हमारे 51 नहीं हो जाते तब तक हम ये बनाते जाएंगे। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं बढ़ाना, बस पीछे की तरफ लेके सीधा सीधा बुनना है। मैं दो फिर से दो फंदे सीधे, एक बढ़ा लिया यहाँ से, अभी हमने 17 लिए थे, अब हम 19 लेंगे।
बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ हमने दो दो बढ़ाने हैं, यहाँ एक ही लेना है सिंपल बीच में। तो हमने 19 फंदे पूरे करने हैं, यहाँ पे 19 ले लिए, और फिर एक फंदा बढ़ाना है, फिर एक सिंपल लेना है, फिर यहाँ से एक बढ़ाना है, और फिर 19 लेना है। फिर ये दो रह गए, तो अब हम यहाँ पे एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। अब उल्टी सिलाई सीधी इस तरह से बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं, इसमें कुछ बढ़ाना नहीं है। अब फिर दो फंदे सीधे, एक बढ़ा लिया, अब 21, अभी 19 लिए थे हमने, अब 21 लेंगे हम। बढ़ा लिया एक 21 के बाद, और एक सिंपल, फिर एक यहाँ फिर बढ़ा लेंगे, अब फिर 21 लेने हमने। ये फिर दो से पहले एक बढ़ा लेंगे। अब इस तरह से हमारे ये 51 फंदे पूरे हो गए हैं, 51 फंदे पूरे हो गए। और स्टेप्स कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 होगी, 10 सिलाइयाँ होगी हमारी। अब उल्टी सिलाई और ले लेंगे हम इसी तरह से, इसमें कुछ नहीं बढ़ाना घटाना। तो ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये 5 धारियाँ पूरी हो गई इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, सीधी उल्टी 4 सिलाइयाँ लेंगे, सीधी सिलाई सीधी लेनी है इस तरह से, और उल्टी सिलाई उल्टी लेनी है। अब ये 4 सिलाइयाँ हमने सीधी बुन ली हैं, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो फंदा है ना, ये इधर से, ये उल्टी सिलाई है जो लास्ट वाली, यहाँ से हमने फंदा उठाना है। ये एक ऊपर एक नीचे है, अब आप देख लेना आपने ऊपर वाला उठाना है कि नीचे वाला उठाना है। तो अगर ऊपर वाला उठा रहे हो तो सारे फिर ऊपर वाले उठाने पड़ेंगे। ये हमने इसके साथ इस सिलाई में ले लिया, और 2 का एक कर लिया इस तरह से, फिर ये उठाना है इस तरह से, ये 2 का एक हो गया, फिर ये उठाना है, ये देखिए 2 का एक। इसी तरह से हमें पूरी रॉ कंप्लीट करनी है, 2 का एक। तो इस तरह से हमारे ये फोल्ड होता चला जाएगा, ये देखिए, ये ध्यान से देखो, इसमें डाल के फिर ये 2 का एक करना है। एक बार और दिखा देते हैं आपको, इस तरह से 2 का एक, देखिए बहुत इजी है, उठाते जाना और 2 का एक यहाँ करते जाना। जो इसी सिलाई के नीचे का फंदा है, इसी सिलाई का देखो ये वाला, ये उठा के इसमें डालना है, और इस तरह से 2 का एक, पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेना। अब देखिए हमने ये बंद कर दिए हैं, तो इस तरह से हमारी बाउंड्री बन गई है। अब हम दूसरा कलर चेंज करेंगे इस पर, और 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी लेंगे, इसको बांध लेना इस तरह से, और 6 सिलाइयाँ लेनी है हमने इसी तरह से सीधी सीधी। अभी 4 हमने सीधी उल्टी ली थी, तो अब 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी लेनी है। अब हमने ये 6 सिलाई कंप्लीट कर ली है, देखो ये 3 रो आ गई हमारी। तो हम वाइट धागा लेंगे अब, और वाइट सीधी सीधी सिलाई बुन लेंगे हम, पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब दूसरी सिलाई हम उल्टी लेंगे, वो हमने सीधी ली थी, तो उल्टे हम कितने लेंगे, 22 इधर और 22 इधर, और 7 ये, 22 और 7 कितने हो गए, 29, 29 फंदे लेंगे हम, 29। ये हमने 29 फंदे ले लिए, 7 बीच के और 22 इधर, 22 इधर। तो अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे, तो ये हम 7 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से हम वापस हो जाएंगे,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात हुए। अभी हम यहाँ से एक फंदा और ले लेंगे, आठ हो जाएंगे, और इस तरफ हमारे 21 रह गए। अब यहीं से हम दोबारा टर्न हो जाएंगे। अभी आठ फंदे हैं, अब देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदे ये, और एक यहाँ से ले लेंगे हम, ये हो गए नौ फंदे इधर हो गए, और ये हो गए हमारे 21। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे इसी तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये नौ हो गए, एक और हम यहाँ से ले लेंगे, ये हो गए 10, ये हो गए हमारे 20। ये घटते जाएंगे, ये बढ़ रहे हैं हमारे बीच के। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पिन लगा सकते हो या कोई भी मार्कर लगा सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा पता चल जाएगा कि हमारे इतने पूरे हो चुके हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ये हो गए हमारे 11, अब इधर हो गए हमारे 19, ये बीच के हमारे 11 हो गए। तीन चार पाँच छः सात आठ 10 11 हो गए। अब हमें ये सारी सिलाई पूरी करनी है, बस हमें बीच के हमारे 11 हो जाएंगे, और ये सिलाई हमें पूरी करनी है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से आ गया। अब हमें ये कलर चेंज करना है, अब हम इसे यहाँ तक बुन लेंगे, यहीं तक। एक मिनट में बताती हूँ आपको। फंदे थे यहाँ, और ये 11 हमारे सेंटर वाले थे, तो हमने ये 11 ले लिए। तो जो हमने 11वां फंदा है इसको हम लेंगे नहीं, इसको ऐसे उतारेंगे, और जो यहाँ वाला फंदा है इसको हम इस तरह से बुन के 2 का 1 हो जाएगा हमारा इस तरह से। इधर 18 हो गए, और यह हमारे 11 के 11 ही हैं, ये कम हो गए, यहाँ हमारे 11 के 11, क्योंकि हमने 2 का 1 किया है। तो पूरी सिलाई हम अब बुन लेंगे ऐसे ही, हम इस तरह से। अब फिर यही ले लेंगे, या तो आएगा सेंटर पॉइंट में, आप निशान लगा लो, कुछ धागा वगैरह बांध लो, या कोई पिन। एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे 18 फंदे बचे थे इस साइड, सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 18 हमारे फंदे ये बचे हुए थे, और यहाँ हमारे 11 फंदे थे, तो इनको बुन लेंगे हम। जो हमारे सेंटर वाले 11 थे, इसको हम 11वें को बुनेंगे नहीं, इसके साथ इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, ये 11वां और एक ये सिलाई वाला, ये जो 2 का 1 बुन लिया, अब पूरी सिलाई ऐसे बुन लेंगे, यहाँ से घटते जाएंगे, और यहाँ से ये उतने के उतने रहेंगे जितने हैं। अब देखिए, जो हमारे 18 फंदे हैं ये हमने ले लिए हैं, और यहाँ से अभी हमने 2 का 1 किया था ना, तो अब हमने ये जो 11 हैं बीच वाले, ये वाला फंदा और ये 2 इस साइड वाले, इनको हमने 3 को 1 कर लेना है इस तरह से, 3 का 1 कर लेंगे। तब 11 फंदे यहाँ बुनने के बाद, 1 2 3 4 5 छः, तो ये जो हमारा 11वां फंदा है ये वाला, इसको उतार के इसमें से ऐसे, और ये 2 का 1 करना है हमें इस तरह से, 2 का 1 करके फिर इसमें से निकाल देंगे, तो ये 3 का 1 फंदा हो गया। अब सिलाई पूरी कर लेंगे, अब 2-2 घटाने हैं हमने, इधर घटते चले जाएंगे इतने, यहाँ उतने के उतने रहेंगे 11 के 11 फंदे, दोनों साइड हमने 2-2 घटा लिए हैं, उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे।
देखिए दोबारा से ये जो 11 फंदे हैं ना हमारे, ये पहला फंदा ये, और ये जो दो फंदे इस सिलाई वाले हैं, इन तीनों का हमने एक करना है इस तरह से। ये हो गया। अब ये 11वां फंदा है जो, इसको ध्यान से देखना अभी। दस, ये 11वां फंदा है ना जो, इसको हमने उतार लेना है। और ये जो दो फंदे हैं यहाँ से, ये हमने दो का एक करके इस तरह से अब इसमें से निकाल देना है। तो हमारे ये दो इस साइड घट गए, दो इस साइड। तो इस तरह से हमने ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है, उल्टी सिलाई उल्टी। तो इस तरह से यहाँ घटते चले जाएंगे, 8 सिलाइयाँ हमें कम्प्लीट करनी है। ये देखिए हमारी 8 सिलाइयाँ कम्प्लीट हो चुकी हैं। ये इस तरह से इसकी शेप आएगी। और अब हमें इसमें जाली डालनी है। ये हमारे अब 36 फंदे रह गए हैं। जाली ऐसे करनी है, सीधा लेके ये आगे धागा किया, फिर दो का एक किया, फिर धागा आगे किया, फिर दो का एक किया, धागा आगे किया, फिर दो का एक किया। इस तरह से हमारी ये जाली बन जाएंगी। हमने इसके डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। देखिए इस तरह से सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। इस तरह से ये हमारी डोरी के लिए जाली आएगी। इस तरह से ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे उल्टी। तो ये हमारी डोरी के लिए जालियाँ होगी। अब हमें क्या करना है, सीधा उल्टा बॉर्डर बुनना है। 22 से 24 सिलाइयाँ हमने बुननी है। ये एक सीधा धागा आगे करके एक उल्टा, इस तरह से हमें बॉर्डर कंप्लीट करना है। 22-24 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है इसी धागे से। ये मैंने 14 सिलाइयाँ ली हैं। आप जितनी चाहे आप ले सकते हो। अगर आपने डबल इस तरह से बुनना है तो आप फालतू भी ले सकते हो। मैंने 14 सिलाइयाँ ली हैं क्योंकि मेरे पास ऊन कम थी। तो अब इसको हम सिल लेंगे। इस तरह से हम सिलेंगे। ये देखिए सीधी साइड से सिलेंगे क्योंकि फिनिशिंग हमारी सीधी साइड से सिलने से ज़्यादा अच्छी आती है। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हम सिल लेंगे। तो ये हमने सिल लिया है। अब ये हमने डोरी बनाई थी क्रोशिए से। देखो ये 9 इंच लंबी है और एक डोरी ये बनाई है। इसके अकॉर्डिंग आप बना लेना। यहाँ गांठ भी लगेगी। तो ये हमारी वैसे हमने 18 इंच बनाई है। तो इसको हम डालेंगे क्रोशिए के साथ। ये देखो ये जो हमारी सीधी सीधी यहाँ से यहाँ डालनी है। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से इस तरह से आप सुई की मदद से डाल सकते हो। जैसे आपको इजी लगे वैसे डाल लेना। ये देखिए इस तरह से यहाँ हम एक गांठ लगा देंगे। या सुई से एक टांका लगा देना आप, ताकि निकले ना बाहर की तरफ। हल्की सी गांठ लगानी है, ज़्यादा खींच के नहीं लगानी। इस तरह से अब यहाँ से निकाल लिया है। क्रोशिया घुसाएंगे हम यहाँ। इस तरह से अब इसके साथ यहाँ से निकालेंगे। अब सुई में भी, सुई से आसानी से निकल जाएगी, सुई से भी लगा सकते हो आप इसको। इस तरह से अब यहाँ से अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर से ये
हल्की सी गांठ लगा देंगे इस तरह से। लेस आ गया, अब ये डोरी हम इसमें डाल लेंगे इसके सेंटर में इस तरह से। जो हमने ये डोरी के लिए होल बनाए थे इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से, एक एक छोड़ के। तो डोरी हमने डाल दी है, इस तरह से इसको बांध देंगे। अब इसका ये बनाने के लिए क्रोशिया बनाते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखो, ये धागा लिया, इस उंगली में ऐसे लपेट लेंगे, अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता तो कोई बटन भी आप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखो, चार चार चेन ली हमने, फिर उसके बाद इसमें से निकाल लिया। अब यहाँ से डबल चेन लेंगे हम 12, ये जो हमारा बीच वाला छेद है इसमें से हम 12 चेन लेंगे इस तरह से। इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। इसमें से इसको निकाल देंगे ताकि पक्का हो जाए। अब इसको सुई से सिल देंगे हम। सुई में मैरून कलर का धागा डालेंगे। ये देखिए, हमने इसको बाहर की तरफ लगाना है। ये हमने इस साइड लगाया था तो इसको हम इस साइड लगाएंगे। इसको पक्का कर देंगे। तो देखिए, हमारे इस तरह से बनके तैयार हो गए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।